हेलो दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज के इस वीडियो में श्री रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का 19वां अध्याय सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय ब्रह्मा और विष्णु जी द्वारा भगवान शिव की स्तुति करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्या दान करके दक्ष ने भगवान शिव को अनेक उपहार प्रदान किए। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दी। तत्पश्चात भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी सहित भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो उनकी आराधना करने लगे। वे बोले, हे दया सागर महादेव जी, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी सती सबकी माता हैं। भगवन, आप दोनों ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। इस प्रकार उन्होंने शिव सती की बहुत स्तुति की। नारद, मैं उनके पास जाकर विधि के अनुसार फेरे कराने लगा। ब्राह्मणों की आज्ञा और मेरे सहयोग से देवी सती और भगवान शिव ने विधि पूर्वक अग्नि के फेरे लिए। उस समय वहां बहुत अद्भुत उत्सव किया जा रहा था। वहां विभिन्न प्रकार के बाजे एवं शहनाइयां बज रही थीं, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं और खुशी में सभी नृत्य कर रहे थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, आप संपूर्ण प्रकृति के रचेता हैं। आपका स्वरूप ज्योतिर्मय है। माँ जी, मैं और रुद्रदेव आपके ही स्वरूप हैं। हम सभी सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, हम सब आपका ही अंश हैं। प्रभु, आप आकाश के समान सर्वव्यापी और ज्योतिर्मय हैं। जिस प्रकार हाथ, कान, नाक, मुंह, सिर आदि शरीर के विभिन्न रूप हैं, उसी प्रकार हम सब भी आपके शरीर के ही अंग हैं। आप निर्गुण निराकार हैं। समस्त दिशाएं आपकी मंगल कथा कहती हैं। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि आपके ही चरणों की वंदना करते हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान, यदि हम सबसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपा उसे क्षमा करें और प्रसन्न हों। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार श्री हरि ने भगवान शिव की बहुत स्तुति की। उनके स्तुति सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। विवाह की सभी रीति के पूर्ण होने पर हम सभी ने महादेव जी और देवी सती को बधाइयां दी और उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा दृष्टि सदैव सभी पर बनाए रखें, वे जगत का कल्याण करें। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, आपने मेरा वैवाहिक कार्य संपन्न कराया है, अतः आप ही मेरे आचार्य हैं। आचार्य को कार्य सिद्धि के लिए दक्षिणा अवश्य दी जाती है। इसलिए आप मुझे बताइए कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं। महाभाग, आप जो भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य ही दूंगा। मुनि, भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। मैंने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देवेश, यदि आप मुझे अपना आचार्य मानकर मुझे कोई वर देना चाहते हैं, तो मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि आप सदा इसी रूप में इस वेदी पर विराजमान रहकर अपने भक्तों को दर्शन दें। इस प्रकार आपके दर्शन करने से सभी पापियों के पाप धुल जाएंगे।
आपके यहाँ विराजमान होने से मुझे आपका साथ प्राप्त हो जाएगा। मैं इस वेदी के पास आश्रम बनाकर यहाँ निवास करूँगा और तपस्या करूँगा। हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्व फागुनी नक्षत्र में रविवार के दिन जो भी मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन कर उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। रोगी मनुष्य के सभी रोग दूर हो जाएंगे। इस दिन आपका दर्शन कर मनुष्य जिस इच्छा को आपके सामने व्यक्त करे उसे आप तुरंत पूरा करें। हे प्रभु, आप इस दिन सभी को मनोवांछित फल प्रदान करें। भगवान, यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे ब्रह्मा, मैं आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी करूँगा। तुम्हारे वर के अनुसार मैं देवी सती सहित इस वेदी पर विराजमान रहूँगा। ये कहकर भगवान शिव देवी सती के साथ मूर्ति रूप में प्रकट होकर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। इस प्रकार मेरी इच्छा को पूरा कर जगत के हित के लिए प्रभु शिव वेदी पर अंश रूप में विराजमान हुए। ओम नमः शिवाय। आज के इस अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।